वेलकम टू इको टाइम्स न्यूज एनालिसिस। सो आज हम एक नई खबर के साथ आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉपरेटिव बैंक्स को सरफाइसी एक्ट के अंदर रखा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। काफ़ी दिन से इस बात की मांग चल रही थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स के साथ साथ कॉपरेटिव बैंक्स को भी सरफाइसी एक्ट के अंदर रखा जाए, तो इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्जी दे दी है। तो आइए समझते हैं कि इस न्यूज़ में क्या क्या है इंपॉर्टेंट। और गाइस, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑफ करंट अफेयर्स सेक्शंस एंड द मैथ सेक्शंस एंड द सीए सेक्शन। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट क्या है? तो सबसे पहले 2002 में सरफाइसी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो देखिए, यहाँ पर इसके नाम में ही सारे अर्थ को छुपाया गया है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ किया गया। किस चीज़ का सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है? हमारी फाइनेंशियल एसेट्स का किया जाता है, और उनको एनफोर्स किया जाता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर बेसिकली क्या सरफाइसी एक्ट कहना चाहता है हमसे, इस चीज़ को समझते हैं। तो ये बैंक को एक ऐसी पावर देता है कि जिससे बैंक जिन भी कस्टमर्स को लोन देता है तो उनकी एसेट्स को बैंक क्या करता है, सिक्योर करता है। उनकी एसेट्स को क्या करता है, बैंक सिक्योर करता है। और जब भी जो भी अकाउंट एनपीए या फिर डिफॉल्ट मारता है उसको ये बैंक जो भी सिक्योरिटी के पर्पज से कस्टमर ने रखा था उसको सेल आउट कर देता है, उसको ऑक्शन में बेच देता है। ठीक है गाइस, तो ये बैंक को एक बहुत बड़ी पावर मिलती है सरफाइसी एक्ट के द्वारा। अच्छा, आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि एग्रीकल्चरल लैंड इज बियॉन्ड सरफाइसी एक्ट। एग्रीकल्चरल लैंड इस सरफाइसी एक्ट में नहीं आती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, रोल क्या क्या होते हैं सरफाइसी एक्ट के हमारे पास। सबसे पहला तो सिक्योरिटाइजेशन एंड फाइनेंशियल एसेट्स एंड इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। तो जो भी एग्रीमेंट होता है उसका एक रिसिप्ट जनरेट होता है बैंक के द्वारा। सपोज करिए कि आपने अपनी किसी एसेट को रखा बैंक के पास, दिस इज यू, और आपने अपनी किसी एसेट को रखा किसी बैंक के पास में। ठीक है, तो बैंक उसको क्या करता है, रिसिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको देता है। दूसरा क्या है, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, तो जितनी भी आपने एसेट्स रखी हैं यहाँ पे उसका क्या करा जाता है, रीस्ट्रक्चरिंग करी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने 2 लाख रुपए के अपने किसी जेवर को, ज्वेलरी को रखा, तो उसका उस टाइम पे वैल्यूएशन क्या होगा, उस चीज़ का भी ख्याल कौन रखता है, सरफाइसी एक्ट और बैंक के द्वारा ये ख्याल रखा जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी इंटरेस्ट का भी एनफोर्समेंट किसके द्वारा किया जाता है, इस एक्ट में किया जाता है। और क्या क्या अदर फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले तो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर रिकवरी। तो सरफाइसी एक्ट एक प्रकार से किसका काम करता है, एजेंट का काम करता है रिकवरी के लिए। आप समझ रहे होंगे इस एक्ट का कितना ज़्यादा पावर है। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे इसके रोल्स। आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स में। अब इसके बाद ये समझते हैं कि कॉपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। देखिए, बैंक्स की डेफिनेशन में सबसे पहले हमारे पास 1904 में कॉपरेटिव सोसाइटी एज एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था, कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 लाया गया था। तो इस एक्ट में क्या था, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इस एक्ट में सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया जाता था जिसमें लोग बहुत छोटी सी सोसाइटीज़ बनती थी, 10% सोसाइटी बना लेते थे, 20%, और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे। इसको आप एज अ बंच ऑफ मनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर ऑफ मनी भी यहाँ पर कहा जा सकता है। लेकिन इसके बाद, एक्ट लाने के बाद, कॉपरेटिव बैंक्स का फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, कॉपरेटिव बेसिस पे। कॉपरेटिव का मतलब आप लोग जानते हैं ना, समूह के बेसिस पे। ठीक है, कॉपरेशन के बेसिस पे किया जाता है, यहाँ पर किसी को एनफोर्स नहीं किया जाता है, दिस इज अ कॉपरेशन। ठीक है, बट आज के सिनेरियो में ये टोटली एक बैंकिंग बिजनेस में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। यानी इसको जब लाया गया था तो उसका पर्पस कुछ अलग था, बट अब इसका पर्पस एक बैंकिंग बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है गाइस, तो अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे इंडिया में कितने प्रकार के बैंक्स हैं। तो सबसे पहला है सेंट्रल बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे बैंक में सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता है। ठीक है गाइस, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, यानी जहां पर पब्लिक डीलिंग होने के साथ साथ बैंक अपने प्रॉफिट को भी मेंटेन करता है, उनमें 3 कैटेगरीज आती हैं, पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स आते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, जैसे किसी भी नाबार्ड, ये सब होते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, एक्जिम बैंक हो गया जैसे। ठीक है गाइस, तो और क्या होते हैं, कॉपरेटिव बैंक्स, जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉपरेटिव बैंक्स के अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार के कॉपरेटिव बैंक्स का क्लासिफिकेशन किया गया, रूरल कॉपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो रूरल कहाँ पे काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं।
रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स ग्रामीण में और अर्बन शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं। रूरल भी दो प्रकार में डिवाइड होते हैं, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स और लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है गाइस, तो ये टायर वन कैपिटल और ये टायर टू और थ्री कैपिटल के लिए लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, सरफाइसी एक्ट के अंदर आ जाएंगे। अभी तक देखिए क्या होता था, जितने भी आरआरबीज हैं या फिर जितने भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है, सिर्फ उन्हीं को सरफाइसी एक्ट में लाया जाता था। अब लेकिन इस इन्फोर्समेंट के बाद जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सब भी क्या आ जाएंगे, सरफाइसी एक्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डेटेड January 28, 2003 अंडर विच द कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव कम अंडर द सरफाइसी एक्ट। तो 2003 तक किसी भी प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक्स जो यहाँ पर एक्ट लाया गया था उसमें नहीं आते थे, लेकिन इस चीज़ को अपहेल्ड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, सरफाइसी एक्ट के अंदर आ जाएंगे। एक और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी अप्लाई कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट्स आ रही हैं कि सरफाइसी एक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर लागू होगा एज वेल एज कोऑपरेटिव बैंक्स किस में आ जाएंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में भी इंप्लीमेंटेड हो जाएंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे हमारे पास, द कोर्ट हैज ऑल्सो रूल डेट अंडर सरफाइसी एक्ट द पार्लियामेंट हैज पावर्स टू प्रोवाइड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स अंडर द एक्ट। अब पार्लियामेंट क्या प्रोवाइड कर सकता है, पावर्स, क्योंकि देखिए ये एक्ट है हमारा, एक्ट कहाँ से चलता है, संसद से चलता है, तो हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स भी इस एक्ट के थ्रू किया जा सकता है कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। ठीक है गाइस, और सरफाइसी एक्ट के बारे में हम समझ ही चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, ये जो एक्ट है एनपीए को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करता है, यानी बैड लोन्स जो होते हैं हमारे, जितने भी लोन्स बेकार हो चुके हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हो और उसको आप डीवेल्यूएट नहीं कर पाते हो, बैंक को चुका नहीं पाते हो, तो बैंक इसके ऊपर क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शंस कर सकता है, यानी आपके लोन को कम कर सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू रिकवर अ डेब्ट द एक्ट एम्पावर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया टू टेक ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी आपने गिरवी रखी है जमीन बैंक के पास एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, तो बैंक उसके ऊपर भी क्या ले सकता है, एक्शंस ले सकता है। सो गाइज एक छोटा सा अपडेट था, लेकिन अटमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, कि फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर सरफाइसी एक्ट लागू कर दिया और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल हो गया है। सो गाइज इस तरीके के छोटे छोटे लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।